हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 16th ऑफ मे है, अपना एज ऑलवेज सेशन लेके हम आ गए हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे ये सेशन प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो भी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, और उससे रिलेटेड जो भी उसका स्टैटिक फैक्ट है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट आप रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं यहां पे डेली बेसिस डिस्कस करता हूं इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ डेली उसका पीडीएफ आप अवेल कर सकें। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस मैंने सेशन में क्वेश्चन पूछा था, मैं डेली यही करता हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का जो आंसर देता है यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हाँ आपने आंसर दिया है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, स्कीम है FIR आपके द्वार, तो यहाँ पे आंसर दिया है सचिन पांडे जी ने, जावेद अली जी ने और राजेंद्र निया जी ने। तो आंसर दिया मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने जो है स्टार्ट किया है FIR आपके द्वार, मतलब अब जो है छोटे मोटे जो भी FIR होंगे वो सीधे आपके यहाँ डायल 100 है, जैसे आपके डायल 100 जो चलती है वो आपके यहाँ जाएगी और FIR जो है क्या कर लेगी, वहाँ पे नोट कर लेगी, आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये स्कीम स्टार्ट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सचिन पांडे जी, जावेद अली जी और राजेंद्र निया जी, आपने आंसर दिया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है, मतलब इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका सही आंसर है 15th ऑफ मे। डे से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपको जो है देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि मई में भी बात करें हम तो नंबर ऑफ डेज हैं। आप एक काम करिएगा, जितने भी डे अभी तक मई में जो है सेलिब्रेट किया गया है उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि इसलिए मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो आपको करना चाहिए ताकि आपका नॉलेज और इन्हेंस हो, अपडेट अपने आप को आप कर सके अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ। तो 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है सर ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो भैया ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों तक फैमिली की जो इंपॉर्टेंस है, जन जन तक फैमिली की इंपॉर्टेंस पहुँचे, मतलब इसकी महत्व क्या है ये लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को मैसेज दिया जाए, अवेयरनेस के पार्ट पर ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है परिवार दिवस, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता, सबको पता है। तो परिवार की एक इंपॉर्टेंस होती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो थीम की बात कर लें, तो फैमिली जो डे सेलिब्रेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस उसका थीम क्या था, तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट इस बार का थीम था, ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ निकल के आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर बेस्ड सेवा यानी सेंसर बेस्ड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वॉच करने के लिए या मॉनिटर्ड करने के लिए लागू किया है, निगरानी करने के लिए लागू किया है, घोषणा कर दी है, किस स्टेट गवर्नमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, उसका बिल्कुल सही आंसर होगा गुजरात सरकार की बात की जा रही है। गुजरात सरकार ने क्या किया है, सेंसर बेस्ड एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया आप जान लीजिए, पहले जल जीवन मिशन के तहत, नोट कर लीजिएगा इसको आप जो बोल रहा हूँ मैं, जल जीवन मिशन के तहत ये लागू किया जाएगा, जो ये सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये है, ये इसलिए लागू किया जाएगा जो जल जीवन मिशन है उस पार्ट पे लागू किया जाएगा, ताकि लोग जो पानी पीते हैं और कितना वेस्ट करते हैं तो उसका एक कह सकते हैं क्वांटिटी कितनी है उसका एक रिकॉर्ड जो है वो सेंस कर सके, ताकि शुद्ध पेयजल पर नज़र रख सके कि वेस्ट कितना हो रहा है, कितना वेस्ट नहीं हो रहा, ताकि वेस्ट को बचाने के लिए, जो बर्बाद जल होता है उसको बचाने के लिए शुद्ध पेयजल को, ऐसी जो है योजना स्टार्ट करी गई है, ये एक सिस्टम लागू की गई है, इसका नाम है सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो किस सरकार ने स्टार्ट किया, गुजरात की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर फर्स्ट इन सोलर मैंने बताया था ये अपने एक सेशन में, फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉल किया गया। सोलर के पार्ट में बात करें तो पहला सबसे पहले नंबर पर जो पूरे अपने बात करें कंट्री में देश में कौन सा राज्य है सोलर रूफ टॉप इंस्टॉल करने में, तो आपका जो गुजरात है फर्स्ट पे है, सेकंड मैंने बताया था महाराष्ट्र सेकंड पे है, महाराष्ट्र क्या है सेकंड पर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गुजरात पुलिस को फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट गुजरात पुलिस पहली ऐसी पुलिस है भारत में जिनको क्या दिया गया है, टीजर गन दिया गया। टीजर गन का मतलब ये होता है जैसे नॉर्मल गन जो होता है उसमें बुलेट निकलती है, टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक जो इसे निकलेगा, तो ये पहला फर्स्ट गुजरात पुलिस को ये प्रोवाइड किया गया टीजर गन। ठीक है, क्यों किया गया है, ताकि चीज़ों को और अपडेट कर सकें वो, मतलब होता नहीं कि वो अपने चीज़ों को और इस पार्ट पे जो है लेस कर सकें जो भी इस ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो गन का मतलब ये होता है कि उसमें गन बुलेट निकलती है, लेकिन यहाँ की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक निकलेगा इसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान, जल संचय अभियान भी स्टार्ट किया किसने, गुजरात से, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ताकि जो पानी है उसके गड्ढे बनाए जा सके, पानी को इकट्ठा किया जा सके और गड्ढे की सफाई किया सके, है ना, ये चीज़ें सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल इस COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से स्टार्ट करी गई थी। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल कहाँ स्टार्ट की गई थी, गुजरात में। तो ये गुजरात से कुछ रिलेटेड फैक्ट निकल के आ रहा है। गिरी नेशनल पार्क जो है कहाँ है, गुजरात में, इसको नोट कर लीजिएगा। और वहाँ पे सरदार सरोवर डैम भी है, अगर हम बात करें तो जो आपका डैम है सरदार सरोवर डैम, अब क्वेश्चन ये बनता है ये सरदार सरोवर डैम किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वहाँ की मुख्यमंत्री, तो विजय रूपानी जी है। वहाँ की जो कैपिटल है वो पता है सबको, गांधीनगर है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें यहाँ पे और जो वहाँ के गवर्नर हैं, आई थिंक देवव्रत आचार्य जी, एग्जैक्टली देवव्रत आचार्य जी जो वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा मिस हो रहा था लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ बात करें, हाल ही में किसने, ओ छुप गया, ओके, कोई नहीं, हाल ही में किसने हेटफुल, देखो ये जो मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये छुप गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया, हाल ही में किसने हेटफुल, नोट कर लीजिएगा, हाल ही में किसने हेटफुल चैलेंज, ठीक है ना, मीम्स नामक, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, हालांकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ये मेरा ही मिस्टेक है, ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पे, मैं एडिट करने के चक्कर में। हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है, ठीक है ना, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर बोल रहा हूँ मैं, हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता यानी ऑनलाइन कंपटीशन शुरू की है, तो यहाँ पे सही आंसर है, चूंकि आप सामने देख पा रहे हो, बने हुए आपके सामने मार्क जुकरबर्ग जी, तो सही आंसर है फेसबुक ने स्टार्ट की है। क्या हाल ही में किसने, फिर से बोल रहा हूँ मैं, चूंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो मेरा ही मिस्टेक है, लेकिन फिलहाल नोट कर लीजिएगा, हेटफुल क्या है, हेटफुल मीम्स जो है चैलेंज स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। ये क्यों स्टार्ट किया गया मैं बता दूं, जो मीम्स बनते हैं, गंदे मीम्स बनते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए उनके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है गैजेट्स की बात की गई है, डिवाइस की बात की गई है, कि डेवलप करने की बात की गई, जिसमें जो है जो डेवलप करेगा जो लोग, तो 1,00,000 रुपये उनको प्राइज दी जाएगी, 1,00,000 रुपये क्या दी जाएगी, प्राइस दी जाएगी, कितना प्राइस है, 1,00,000 रुपीस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम जो है डेवलप करना है, ताकि जो हेटफुल मीम्स हैं उनको जो है रिकॉग्नाइज किया सके, उनको हटाया जा सके, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, हेटफुल है, हेटफुल ठीक है, मीम्स चैलेंज है ये, हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता यानी कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन शुरू किसने की है, फेसबुक ने की है। ठीक है ना, फेसबुक को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 4 फरवरी 2004 को किया गया था, और उसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है लिब्रा। फेसबुक ने डिजिटल करेंसी नाम लॉन्च की है, जिसका नाम है क्या, लिब्रा डिजिटल करेंसी है। ठीक है, और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, सबको पता है। एक क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोरोना वायरस से जल्दी मुक्ति मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग जो है अपनी पहले की लाइफ आसानी से जी सकें, तो कोरोना वायरस की फ्री होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है, तो इटली तो हो नहीं सकता, सबको पता है, स्पेन नहीं होगा, तो जब स्पेन नहीं होगा तो यहाँ बचा कौन, आपका जो है स्लोवेनिया सही आंसर है, सेकेंड आंसर सही है, स्लोवेनिया पहला यूरोपियन कंट्री है जो कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। स्लोवेनिया की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, सामने मैंने लगा रखा है, आप नोट कर लीजिएगा, जानेज जांजा
जनेज जानजा वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ का कैपिटल क्या है, जुबलन जान, जुबलन जान नोट कर लीजिएगा, कैपिटल है जुबलन जान, कहाँ कैपिटल है, स्लोवेनिया की, ठीक है। और वहाँ की जो करेंसी है वो है पक्का, चूंकि यूरोपियन कंट्री है तो यूरो ही होगी करेंसी, ठीक है ना, यूरो, तो यूरो जो है वो करेंसी है। ओके, आई होप इट्स ए क्रिस्टल क्लियर। तो फिर से बोल रहा हूँ, जो तीसरा क्वेश्चन है इसका तो चूंकि छुप गया है ये, तो हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक प्रतियोगिता स्टार्ट करी है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने इसको फाउंड किया, फाउंडर एंड सीईओ हैं ये कहला, ठीक है। और स्टार्ट किया गया था फेसबुक कब से, मतलब कब लॉन्च किया गया, 2004 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसकी भी एक कहानी है, कभी बता दूंगा मैं आपको इसकी कहानी एग्जैक्टली क्या है, क्लास में जो मेरे कंप्यूटर क्लास अटेंड किए होंगे कैंडिडेट, उनको मैंने कहानी बता रखा है इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री, वहाँ की जो कैपिटल है जुलबन जान है, ठीक है, जुलू जान, और वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो आई थिंक इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा सामने, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मैत्री समृष्टि समृष्टि स्कीम है, एग्जैक्टली ये है मैत्री या मैत्री बोल सकते हैं, कुछ लोग मैत्री बोलते हैं, या मैत्री या मतिर, मैत्री जो भी बोल लीजिए आप, मैत्री भी बोलते हैं और मैत्री बोलते हैं। तो ये समृष्टि स्कीम है, ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, वेस्ट बंगाल ने। अब देखो वेस्ट बंगाल ने क्यों लॉन्च किया है, इसको आप जान लीजिएगा, इस स्कीम को राज्य सरकार ने एक्चुअली वहाँ की जो गवर्नमेंट चाहती, वहाँ पे एक 50,000 देखो नोट कर लीजिएगा, 50,000 एकड़ बंजर भूमि है। अब 50,000 एकड़ बंजर भूमि है, तो अब एग्जैक्टली वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, किस बंजर भूमि से कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जो बंजर भूमि है, ज़मीन है, उसे कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो उसके लिए वो मछली पालन या बागवानी जैसी एक मतलब एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है, मैत्री समृष्टि स्कीम, ठीक है ना भैया। पैसों की दिक्कत है तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अब चूंकि सारे जो प्रवासी मजदूर थे कहीं ना कहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट पहुँच रहे हैं, तो अब चूंकि करना तो वही है जो कुछ करना है अब, है ना। तो वहाँ की जो 50,000 एकड़ बंजर ज़मीन है, वहाँ पर मछली पालन या वहाँ पे बागवानी जैसी जो है एक्टिविटीज़ करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। तो किस गवर्नमेंट की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। अब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे नोट कर रखा है, इसको देख लीजिएगा। सनाधने ऐप जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस गवर्नमेंट लॉन्च किया है, तो ये टू ट्रैक कोविड कोरोना वायरस जो अफेक्टेड पर्सन को ट्रैक करने के लिए सनाधने जो ऐप है वो वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। जलतपारा एंड क्या है आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जैक्टली ये कहाँ है, तो जलतपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सुंदरवन से एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सुंदरवन जो नेशनल पार्क है उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है, वहाँ पे अभी तक अभी 88 टाइगर थे सुंदरवन में, बट अभी 8 बढ़ गए हैं, तो अब वहाँ पे जो सुंदरवन है वहाँ पे टोटल 96 टाइगर हो गए हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि अभी हाल ही में हुआ है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में टाइगरों की संख्या कहाँ बढ़ी है, किस सुंदरवन नेशनल पार्क में 88 टाइगर हुआ करते थे, अब 96 टाइगर हो गए हैं, 96 टाइगर हो गए हैं। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सामने आ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के WTO के जो है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए, जिन्होंने अपने इस वर्ष के अंत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, अच्छा घोषणा कर दी मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है रिजाइन देने की। तो आंसर है रॉबर्टो एजवांडो, ठीक है ना, ये आपका जो आंसर है डी आंसर है रॉबर्टो एजवांडो, एजवांडो एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अजेवाडो बोल दीजिए, रॉबर्टो अजेवाडो बोल दीजिए, ठीक है, नाम एग्जैक्टली ये है, फ्लो में क्या होता है कि नाम भी देखने को बोलते हैं, है ना। तो डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, तो उनका नाम है रॉबर्टो अजेवाडो। अब देखो ये WTO की बात कर लें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो इसको 1995 में स्टेब्लिश किया गया था, WTO को 1995 में स्टेब्लिश किया गया था, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, किसके हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में है, किसके हेडक्वार्टर, WTO के हेडक्वार्टर, ठीक है ना। तो वहाँ के रॉबर्टो अजेवाडो जो है वहाँ के थे डायरेक्टर जनरल, उन्होंने रिजाइन देने की बात कही इस वर्ष के कहाँ कब तक बात की गई है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस वर्ष के अंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो वेस्ट बंगाल से उन्होंने बता दिया, वेस्ट बंगाल में ये चीज़ें एक्टिविटी हुई है ना, और सुंदर
जो सुंदर वन है और बुक्सा नेशनल पार्क है, ठीक, सुंदर नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। सुंदर नेशनल पार्क में 88 टाइगर थे, 8 बढ़ गए, 96 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के सामने हमारे आ रहा है, व्हिच बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19 टेकिंग द टोटल $2 बिलियन। किस बैंक ने COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, मंजूरी दी है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल राशि $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। तो सही आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात यहाँ पे की जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्या बात करी है, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात की है COVID-19 से लड़ने के लिए, ठीक है ये। और वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है सबको पता है, मैंने कई बार बता रखा है, डेविड मालपास है, डेविड मालपास ये हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक को 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, कहीं कहीं 1945 मिलता है, बट 1944 सही है। कहाँ किया गया था, वाशिंगटन डीसी किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड बैंक का। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्ल्ड बैंक कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, ये मैंने प्लेलिस्ट में जाइएगा, और जनरल अवेयरनेस का एक मैंने सेशन लिया है, ठीक है, वहाँ मैंने डिस्कस किया है, नहीं बर्निंग टॉपिक का सेशन है उसमें प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट कौन कौन से हैं, IBRD, ICSID, MIGA, ठीक है, IFC, IDA, 5 पार्ट होते हैं वर्ल्ड बैंक के, मैंने बता रखा है, वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है कि किसे देश के, इंडिया की बात की जा रही, सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से नॉमिनेट किया गया है, मतलब इंडिया का जो सर्वोच्च खेल रत्न खेल सम्मान पुरस्कार है जिसे कहते हैं खेल रत्न, तो सही आंसर है आपकी अंजुम मौदगिल, जो सी आंसर है वो सही है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे नोट कर देख लीजिएगा आप, स्लाइड में मेंशन किया मैंने, न्यू दिल्ली न्यूज़ है ये आपका, क्या न्यूज़ है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRIA ने ये नॉमिनेट किया राइफल एस अंजुम मौदगिल को खेल रत्न के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, जो कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है खेल रत्न, ठीक है। वाइल्ड रिकमेंडिंग जसपाल राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द सेकेंड ईयर इन रो, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो है किसे नॉमिनेट किया है, किसको, जसपाल राणा को, ठीक है। द NRAI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेंट द नेम ऑफ जो है चैंपियन पिस्टल शूटर्स सौरभ चौधरी एंड अभिषेक वर्मा फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम सोर्सेस। तो आप देखो यहाँ पे जो है सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा का नाम भेजा गया अर्जुन अवार्ड के लिए, और खेल रत्न के लिए जो है अंजुम मौदगिल, और द्रोणाचार्य के लिए जो है किसको भेजा गया नाम, जसपाल राणा जी। तो ये फिगर में देखो जसपाल राणा है यहाँ पे और अंजुम मौदगिल है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉमिनेट किया है किसने, NRAI ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2020। देखो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम क्या था, तो मैंने बताया था आंसर सी जो है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, परिवार दिवस कब मनाया गया, 15 मई को मनाया गया, उसका थीम क्या था, फैमिलीज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज टाइड अप विद द मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स फॉर डायरेक्ट टू बैंक अकॉर्डिंग क्रेडिट सर्विस फॉर कस्टमर्स इन इंडिया। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में ग्राहक के लिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट सेवा मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर है फेडरल बैंक ने किया है, इसका सही आंसर फेडरल बैंक है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, जो फेडरल बैंक है सही आंसर है, ठीक है। फेडरल बैंक की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो फेडरल बैंक का जो इसमें CEO कौन है, तो श्री श्रीनिवासन कौन है, CEO है, और जो फेडरल बैंक इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, अलुआ कहाँ है, केरल में है, ये इसका हेडक्वार्टर है अलुआ, जो कि केरल में है, ठीक है। और अगर बात करें हम फेडरल बैंक की, तो इसका जो टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंक पार्टनर इसका टैगलाइन है फेडरल बैंक का, ठीक है ना, फेडरल बैंक का टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंक पार्टनर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मनीग्राम जो पेमेंट सिस्टम है वो फॉर डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस फॉर कस्टमर्स इन इंडिया, कस्टमर्स के लिए डायरेक्ट
टू बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट बैंक में फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज़ के लिए जो है टाई अप किया है फेडरल बैंक से, और जो कि मनीग्राम क्या है, पेमेंट सिस्टम से मनीग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल कर रहा है, रिसेंटली हु बिकम्स द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, पाकिस्तान हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन किसे नॉमिनेट किया है, किसे जो है नियुक्त किया है, तो कह सकते हो बाबर आजम, इसका सही आंसर है बाबर आजम को किया है, ठीक है। पाकिस्तान के नए कैप्टन कौन बने हैं, बाबर आजम। पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात जान लीजिए आप, पाकिस्तान की जो कैप्टन है इस्लामाबाद है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर आरिफ अलवी, और जो क्रिकेटर हैं मिस्टर इमरान खान, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेटर महिला क्रिकेट टीम की थी सना समीर, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, सना समीर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की महिला थी। और आयास मुगल को यूएस भेजा, पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया था, एक ट्रांसजेंडर अपने यहाँ का ट्रांसजेंडर जो है भेजा था कहाँ पर, यूएन में अपने जो रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने प्रतिनिधित्व टीम का एक हिस्सा बना के भेजा था, आयुष मुगल को कहाँ, यूनाइटेड नेशन भेजा था, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को। तो आयशा मुगल, ये कौन है, ये ट्रांसजेंडर है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर भेजने वाला पाकिस्तान है आयशा मुगल, जो कि यूएन भेजा, ठीक है। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू जो पायलट बने हैं राहुल देव बने हैं, पहले हिंदू पायलट राहुल देव बने हैं पाकिस्तानी वायुसेना में, एयरफोर्स में वहाँ के। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे करंट अफेयर के पार्ट पे, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा सेशन। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन कल के लिए है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, हु इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आंसर कौन देता है। आंसर आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि भैया आप अपडेट रहो, आपको चूँकि आप जब लिखेंगे तो आप वो भूलेंगे नहीं, इतना मुझे पता है, मैं चाहता हूँ आप लिखें एटलीस्ट, क्योंकि आप इस ताकि आप भूलें ना, ठीक है। मेरा बस मोटो यही है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। लास्ट तक सेशन आपको जरूर अवेल करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग कहते हैं मैं भी कह रहा हूँ, मैं अलग कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।